इतने प्यारे प्यारे भुटले। दाल का एक बार पकौड़े खा लोगे ना तो उंगली सो हेलो दोस्तों, फाइनली आप लोगों के सामने एक और न्यू ब्लॉग मैं लेके आ ही गया हूँ, जिसमें आप लोगों को बहुत सी चीजों को देखना पड़ेगा। और हाँ, ये ब्लॉग आप लोगों को बता दूं कि बहुत दिनों के बाद हम लोग लेके आए हैं, मतलब हम लोग एक टेक वीडियो है और एक टेक चैनल है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, उस पर टेक वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि ब्लॉग पे ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा था तो हम लोग उस पर कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक ही चैनल के भरोसे नहीं रह सकते ना यार, इसीलिए हम लोग दो दो चैनल पे काम करते हैं, मैं और माही। अभी हम लोग जाने वाले हैं अपने मम्मी पापा के घर, मतलब मेरे मम्मी पापा के घर जाने वाले हैं, हम लोग रेडी हो रहे हैं। और आज है आप लोगों को हमारी तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। अरे 15 अगस्त बोल तो भाई, इंडिपेंडेंस डे बोल, 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। कितना आसान, इंडिपेंडेंस डे, इंडिपेंडेंस डे आता है मेरे को बोलने। आप ही बोलो, अब तो बियंस भी हो गया बोलने लायक। हां, बियंस बोल के दिखाएगा, बोल हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। फिर से एक और कोशिश बेटा, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। लाइक कर दो, बोल दे एक बार लाइक कर, इधर देख के कैमरे में लाइक कर दो। हाँ लाइक कर दो भाई, भाई मेरा बेटा बोला मेरे बेटे के लिए एक लाइक कर देना। और मैं आप लोग को दिखा दूं कि वॉशिंग मशीन में महिमा ने बहुत सारे कपड़े रख रखे थे और इस गत्ते से ढक दिया था, यह हमारा फ्रिज का गत्ता, इससे ढक दिया था ताकि ये धूप में खराब ना हो, और बारिश के मौसम में ये खराब हो ही गया। ये देखिए, इसमें कपड़े भी रख दिया था, इतना सारा कपड़ा रखा था इसके अंदर, रख दिया था ताकि मतलब बेड में जगह नहीं थी कपड़ों की थोड़ा बहुत, तो धुल के वो भी मतलब धो धा के कपड़े इस वॉशिंग मशीन में रख दिया था, और उसके बाद बारिश का पानी इस गत्ते को छेद करते हुए नीचे और चला गया वॉशिंग मशीन के अंदर और इन कपड़ों को खराब कर दिया। आप देखिए इतने गंधार, मतलब बहुत से बदबू सी आ रही है इसमें से, और इसमें इतने सारे मच्छर पनप गए कि क्या बताएं, घर में तक मच्छर घुस गए हैं, और घर में इतने सारे मच्छर हैं क्या बताएं, वो तो ऑल आउट से भी नहीं भग रहे। कहाँ जा रहे हो? दो दादी के घर जा रहा है ये, देखो। चल ठीक है, तू दादी घर जा, मेरे बाबू रेडी हो चुकी है और मैं भी रेडी हो चुका हूँ, और हम लोग अभी घर से निकलने वाले, सॉरी मम्मी के घर के लिए निकलने वाले हैं। लगा लिया ना चोट, इस ताला मारने के लिए मुझे बोली, मैं बोला कि तुम ही मार दो, मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो चोट लगा लिया। पकड़ो इसको, अभी मैं ही, ये थोड़ा टाइट है। हाँ हटा बेटा, हाथ हटा, हाथ हटा, हाथ हटा, नहीं तो इसमें दब जाएगा आपका हाथ भी। चलो अब लगा दो ताला, और ताला तो मेरे से ही मरवाओ। पैदल चलोगे कि पापा गोदी में? पापा गोदी, पापा गोदी में चलेगा। मैं यहाँ से क्या, क्या बताओ, मैं यहाँ से गिर जाऊंगा तो कैसे जी पाऊंगा? क्या कह रहा है? कह रहा मैं यहाँ से गिर जाऊंगा तो कैसे जी पाऊंगा? नहीं टेंशन ना लो, गिरने नहीं दूंगा, मैं ले लेता हूँ गोदी में, ओके? ये देखिए बारिश हुआ है तो पानी बहुत सारा लगा है, और ये क्या, ये बीच में क्यों बैठी हुई है? इन्होंने हड़ताल कर रखा है क्या किसी चीज का? अरे साइड तो हट जाओ, मैं जगह दो जाने का। माँ बेटी भाई पूरा परिवार लेके बैठे हुए हैं ना भैंस? हाँ। अच्छा आप बनाओगे वीडियो तो कैसे बोलोगे, एक बार बोल के दिखाओ। ये देखो मेरा बेटा भी ब्लॉग बनाना सीख गया है। मुझे भी झंडा चाहिए मम्मा। इसको झंडा चाहिए भाई, झंडा जा रही है दीदी लेके। अब इसने देख लिया किसी को झंडा ले जाते हुए, अब इसको भी झंडा चाहिए। क्या क्या मम्मा ने, क्या बोला मम्मा ने? मम्मा ने धंधा, दादी धंधा दिया देगी, अब सुन दिया। अब इसको झंडा चाहिए, झंडा देख लिया किसी के हाथ में, बोला मम्मा मुझे झंडा चाहिए, अभी भी देख रहा पीछे। क्या करोगे आप? वीडियो बनाओगे? कैसे बनाओगे एक बार बोल के दिखाओ पहले। मैं कैसे, एक बार बोल के दिखाओ कैसे बोलोगे फिर? मैं मोबाइल पकड़ के वीडियो बनाऊंगा। हाँ मोबाइल पकड़ के फिर क्या बोलोगे ये तो बताओ। मीठे में पानी ये बता रहा है, ऐसे वीडियो बनाएगा। क्या चाहिए?
किंडर जो नहीं खाया जाता, दांत सड़ जाता है। खाने से दांत सड़ जाता है। हाँ तुझे सब चाहिए आज। अब जो जो दिखेगा इसको रास्ते में वो मुझसे मांगेगा, डिमांड करेगा मुझे ये चाहिए, कभी मुझे वो चाहिए। दोस्तों ये है हमारा मार्केट जो कि अभी लगा हुआ नहीं है बारिश की वजह से, बारिश ने तबाह कर रखा है। और दोस्तों हम आ चुके हैं बियांस के दादी के घर के बहुत करीब, अभी जा रहे हैं गली में। ये मेरे से बार बार पूछ रहा, क्या पूछ रहे हो? क्या पूछ रहे? अच्छा आप बताओ कहाँ गए हो? दादी के घर गए, वहाँ बताओ। ऐसे ही बेफजूल सवाल करता है मेरे। आ जाओ भाई, आ जाओ। सुबह से कहा नहीं आया, जब से ही रुकी जाता हूँ। पापा सो रहे हैं। अरे चड्डी पहन के सो रहा, पैंट वेंट पहन ले, चुप रहा है। क्या खा रहा है? ये खाया हुआ है। ये क्या है? गिरना नहीं चाहिए। ये इसमें भी आएगा। क्यों गिरा रहे हो? देखो गिर रहा नहीं। गिरा तो मलाई डाला उसमें। स्प्राइट में ये बिस्किट मिला के खा रहा, देखो एक्सपेरिमेंट कर रहा है भाई। अभी सही नहीं कर रहा है। नहीं दूंगा चाचा, सब तो भर के तो नहीं दूंगा। आपने चाचा को मारा था, नहीं दूंगा। आ रहा है कुछ समय चाचू से मांगो, वरना नहीं देगा। नहीं दूंगा। रुक रुक रुक, अब नहीं दूंगा। रुक दे नहीं तो और भी नहीं दूंगा। ले भाई अब आगे बात। कौन सॉरी बोलता है? ठीक है, क्या ठीक है तो देता कह रहा। ठीक है फिर हमें नीचे पहुंचा दिया, मैं कैसे निकालूं? कह रहा बलून नहीं देगा। अरे कहाँ लगा, मुंह पे तो नहीं लगा? अरे बच के रहना सूरज। नहीं निकालूंगा, बच क्या कर लेगा? देखना मुड़िया बचा के। बेटा के तू मारेगा निकाल। दादी से भी नहीं पट बेटा, तू क्या कर लेगा? ले ले कह रहा है से मारूंगा। कैसे मारेगा? पापा को छोड़ दे, मम्मा पापा अभी तेरा पापा को मारूंगा। ओए अब मैं तेरी मम्मा को मारूंगा। मां देखते हैं कैसे बचाता है। मैं मम्मा को मारूंगा, मुझे मारा दादी ने। ये देखो खड़ा हो गया, जादू कर दिया उसी पे, रुके रहो। ले गोली भी मार दिया भैया। सक्सेसफुल सक्सेसफुल। अब मामा पापा को भी मार देगा क्या बेटा? मम्मा को गोली लग जाएगी देखो। बोतल लेके मुझे मारा दादी ने। बोतल लेके क्या कर लेगा? बोतल लेके बताओ क्या कर लेगा? बोतल से लेके पूछो। बोतल लेके हाथ में लो इसे, अब पूछो दादी से क्या करेगा। दादी क्या करेगा? तू तेरा मम्मा के मारेंगे, तेरा पापा के छोड़ दे रही तो देखो। मैं मारूंगा मम्मा को। ओए चाचू ने मारा। ओए कर लेगा तू? क्या कर लेगा अभी ये बता। तू क्या कर लेगा ये बता? तू मारेगा, तू मारेगा मेरे को।
बचा लिया मेरे को मेरे बेटे ने। ले गोली गोली है नहीं हाथ हाथ में गोली चलाने से कोई मारेगा बेचारे ले लेट के अब लेट के चलाएगा गोली अब चलाई देखो बंद हो नहीं चलते ऐसे घुसो के पबजी में वैसे चल रहा है देख रहे वहां तक पहुंच गया तू कहां बच के जाएगा आप एक खा जाओगा खा रहा है बेटा क्यों रो रहे हो चाचू ने मुझे मार दिया मारूंगा डिप्स मार क्या शक्ति ला बाप रे मारेगा ले ले भाई अब आ गया बॉडी अब लो मिलो अब बता तू क्या करेगा मैं अभी भी मारूंगा तू क्या करेगा ये तू बड़ा नहीं हो पाया तू बड़ा नहीं हो पाया बड़ा नहीं तू बड़ा नहीं हो पाया ये बड़ा हो गया देखो भाई और क्या बेटा इतना देखो कैसे बोलते उल्लू बनाया बड़ा मजा आया कह रहा पीछे देखो दीदी कह रहा तो मजा कराता है तो अभी मम्मी बियंस बियंस के पापा बियंस के दादा सब लोग गए हैं राशन लाने और कुछ सामान वामान लाने सब्जी वब्जी और मैं रो रही हूँ देखो ओ रो रही हूँ पता है क्यों देखा मुझे ड्यूटी मिली प्याज काटने की और सबसे मुश्किल ड्यूटी मुझे यही लगता है प्याज काटना और मुझे वही मिली है बहुत सारी प्याज क्योंकि आज बनने वाली है पकौड़ी मुझे ही खाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था तो मैंने बोला तो मम्मी बोली बना दूंगी तो जब तक वो लोग गए सामान लाने मैंने सोचा तक प्याज काट लूँ अभी दाल पीसना है फिर बनेगा पकौड़ी सो दोस्तों यहाँ पे देखिए पकौड़ी की कार्यक्रम स्टार्ट है यहाँ बनेगा हमारे घर पकौड़ी क्योंकि बरसात का मौसम है बारिश भी बाहर हो रहा है धीमे धीमे और बियंस लिया है बेलन लगता है मुझे मारेगा नहीं मारो मत बेटा आपका पप्पा हूँ ना मैं और यहाँ पे महिमा ने प्याज काट लिया और धनिया काट लिया लहसुन काट लिया ये है चटनी की तैयारी कर रही है वहाँ पे मम्मी पकौड़ी की तैयारी कर रही है आलू काट दिया चटनी पकौड़ी की तैयारी हाँ हाँ तो खाली प्याज ही तो डालोगी पकौड़ी में धनिया डालूंगी लहसुन और अदरक का पेस्ट भी डालूंगी खूनी ये सब डालोगी पकौड़ी में मुझे लगा ये तो चटनी की तैयारी हो रहा है सॉरी सॉरी गाइस ये पकौड़ी का ही तैयारी उसी में डालेगी और दोस्तों आप लोगों ने बेसन के पकौड़े तो बहुत खाए होंगे लेकिन ये है दाल के पकौड़े ये देखिए दाल पीसा जा रहा है मम्मी पीस रही है वो भी मसूर का दाल है और इसके पकौड़े एक बार बना के खा लोगे ना मसूर का दाल कैसा होला रे और दोस्तों आप लोग तो आप ही का हुआ ना और दोस्तों अगर आप हुआ तो आप ही का हुआ बोल घर में हुआ तो मम्मी का हुआ इसलिए मम्मी का दाल है हाँ ठीक है मसूर का दाल नहीं है जी तो दोस्तों आप लोग ये इस दाल का एक बार पकौड़े खा लोगे ना तो उंगली चाटते रह जाओगे आप बेसन के पकौड़े भूल जाओगे और यहाँ पे देखिए ये आलू को धुलने जा रही है क्योंकि ये आलू के भी पकौड़े बनाएगी माई काट के आलू को गोल गोल और उसको छानेगी बेसन में लगा के बहुत टेस्टी लगेगा धनिया के साथ खाएंगे अरे हाँ भाई सॉरी 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 टमाटर को गीला गीला चटनी हाँ बिहार के चट पे मिलता है चटिया पे हाँ हाँ सो भाई अंधेरे में का सूट है क्योंकि लाइट चली गई है देखिए बल्ब भी नहीं जल रहा है और मेरे बाबू पकौड़ी तलने लगे है मम्मी का काम भी पीसने से ही खत्म नहीं हुआ अरे मम्मी का काम तो पीसने से ही खत्म नहीं हुआ चटनी पीस रही है तब तक टमाटर उतना रखा हुआ है पीस पीस कर पकौड़े तले जा रहे हैं कुछ निकल चुके हैं तो अब लाइट आ चुका है और पकौड़े इतने सारा बन चुके हैं कुछ खाए भी है और ये देखे कितने प्यारे प्यारे पकौड़े और हरी चटनी मैं नहीं पीस पाती इतना तीखा तीखा मम्मी नहीं पीसा अपना हाथ उनका आज लहरेगा वो जानेंगे आज पूरी रात रोना पड़ेगा इतना जलन ये देखो ये लाल मिर्च जलन हो रहा हाथ हवा में अभी और होगा जब साबुन से धोए हैं फिर जलन आ रहा अब तेल लगाएंगे इसमें दोस्तों मेरा मिल चुका है पकौड़ा इतना खाने का चलिए इतने पकौड़े खाते हैं पहले टेस्ट करते हैं कैसा है फिर और मेरी बाबू तो बनाने में लगी है
देखो गाइस ये जा रहा मंजा और पटंगा उतनी दूर दिखाई देगा नहीं दिखाई दे रही है, बहुत छोटी है, बहुत छोटी है एकदम पूरे बादल में। अगर मैं जूम करूंगा ना तब भी नहीं दिखाई दे, बादल में घुसी हुई है बादल में। हाँ ऐसे करना अंतरिक्ष में चली गई है। वाह आप तो पतंग उड़ा रहे हो बेटा। हाँ पापा नहीं दिख रहा है। हाँ दिखेगा नहीं, बहुत ऊंचा है पतंग। थोड़ा देखो गाइस आज भाभी के हाथ का पकौड़ी खाते हैं, टेस्ट करते हैं, पहले टेस्ट करके बताते हैं किस कदर का लग रहा है, किस कदर का लग रहा है। एक दो पकौड़ी खा लिया और अब बताएगा टेस्ट। ब्लॉग अभी स्टार्ट हुआ है, एक दो पकौड़ी खा लिया ब्लॉग के लिए अभी बताएगा। वेरी ब्यूटीफुल। अरे सही में तारीफ कर रहा है। खाने में यम्मी टेस्टी ये होता है, क्या स्वाद है ये होता है। गजब लग रहा है, करकरारे से है। देखो मैं कर कर करके दिखाता हूँ, कर 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 रहे हैं। निकाल बाबू निकाले सूट ले। तो गाइस सब बन रहा है चाय और उसके बाद ये आलू के पकौड़े। देखो आलू को काट ले शेप में और उसको बेसन में लगा लगा के तले जा रही है मम्मी चाय। देखो महिमा बना रही है। तो गाइस देख सकते हैं दोनों सास पतोह लगी हुई है पकौड़े और चकौड़े बनाने में, चकौड़े बनाने में। सो गाइस आप लोग देख सकते हैं कि दोनों सास पतो लगी है पकौड़े शकौड़े और चकौड़े बनाने में। पकौड़े का भाई चाय मतलब चकौड़े वो। हाँ माई सब समझते हैं। चल लेके ज्यादा पकौड़िया उठाई का हाथ देखो मैंने देखी हो हाथ मुंह न जल जाए। ये लो टट्टी खा ले। ए चाचू कैसे खा रहा है एक बार बता दो, कैसा खा रहा है चाचू? हाँ तो कुत्ते जैसे खा रहे हो सर। ये देखो चश्मा लगाओ ना सर। ओ अब दिखा दो दादी को, देखो लगाइए ना सर। मम्मी देखियो इसको। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? चश्मा लगाइए ना सर। देखो अरे बेटा चलो पापा को दिखा के। इतना शकल नहीं उतना बड़ा चश्मा लगाया है। नखिए अपना हिट सर, नखिए बेटा और करना। हां जा पापा को दिखा दे। सो दोस्तों सबने खा लिया है, ये देखिए सबने खा लिया है। अभी भी पकौड़ा तला जा रहा है लेकिन सबका पेट भर चुका है। क्या? हाँ थोड़ी देर भागी भागी खेलते हैं। इसको खा रहा है, कह रहा पेट में दर्द हो गया मुझे, भागी भागी खेलो मेरा खाना पच जाएगा। इसको आदत लगा रखा हूँ ना भागने का। भागी भागी खेलो। सबको खाया मम्मी साजा बोल रही। हाँ सबको खाया और मम्मी अभी हाथ धो रही है बना के। हाथ धो रही हूँ। मिर्चा लग रहा है हाथों में, हाथ में जलन हो रहा है इसलिए हाथ में पानी बोर में पानी में हाथ बोर के बैठी है मग्गे में। चलो सो दोस्तों आप लोगों ने कल देखा कि हम लोग मम्मी पापा के घर आए थे और हमने खाया था पकौड़ी यहाँ पे बना के, सबको खिलाया भी था माई ने। आज बना रही है चाप और यहाँ पे आज चाप बना रही है और रोटी बना रही है, मक्खन लगा के एकदम मस्त सबको खिलाएगी। अभी मम्मी की थोड़ी तबीयत खराब थी इसलिए माही आ गई। आज पूरे दिन हम लोग यहीं पे थे और शाम को खाना भी बना रही है, आप लोग देख सकते हैं। अभी अंश बाहर खेल रहा है दादी के साथ। अरे वाह दो दो किंडर जो है ये तो। कौन दिया? और क्या लेके आया चाचू? चाचू लाया है। दिखा दो। कौन सा चाचू लाया? दिखा दो। कोई काट दो ना। इसको निकलता नहीं है, इसी में खेला जाता है ऐसे ऐसे। देखो ऐसे ऐसे देखो हमारा खाना चलने लग गया भाई। ये देखो ये मुर्गा मछली मत समझ लेना, ये है चाप की सब्जी। मेरे बाबू ने जो चिकन होते हैं ना मतलब नॉन वेज होते हैं ना उनसे कम भी नहीं बनाया, लेकिन हाँ ये नॉन वेज भी नहीं है, बहुत अच्छा बनाते हैं मेरे बाबू खाना, बहुत टेस्टी है।